बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी बारा को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान में दिन दहाड़े हुई हिंदू युवक की हत्या निंदनीय है। विपिन कुमार गुप्ता। राजस्थान के उदयपुर में हिंदू युवक की नृशंस हत्या के संबंध में आज बजरंग दल ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी बारा सौम्या गुरुवार रानी को सौंपा। बजरंग दल काशी प्रांत सुरक्षा प्रमुख विपिन कुमार गुप्ता ने कहा कि राजस्थान के उदयपुर में दिन दहाड़े हिंदू युवक की दुकान में घुसकर की गई हत्या का विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कड़ी निंदा करता है। केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने नूपुर शर्मा और नवीन के परिवारों को सुरक्षा देने की मांग भी सरकार से की है। विपिन कुमार गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि उदयपुर में हत्या के बाद वीडियो जारी कर अपराधियों ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को धमकी देकर देश की संप्रभुता को चुनौती दी है, जिसे भारत की जनता, विश्व हिंदू परिषद और केंद्र सरकार स्वीकार करेगी, इसे लड़ेगी और विजय प्राप्त करेगी। मैं इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष मनोज सिंह, जिला मिलन केंद्र प्रमुख शुभम पांडेय, जिला प्रचार प्रमुख राम सिंह कबीर, जिला गौरक्षा प्रमुख धीरेन्द्र सिंह, प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद चतुर्वेदी, प्रखंड मंत्री गिरजा शंकर साहू, प्रखंड संयोजक अभिषेक गोस्वामी, राहुल साहू, रविवार रजक, विनय द्विवेदी, आदित्य। ये आप लोगों के द्वारा अभी उदयपुर घटना को लेकर एक ज्ञापन दिया गया है, तो ज्ञापन में क्या मांग की गई है आपकी? उदयपुर में दर्जी की जिस तरह से दिन दहाड़े दुकान में घुसकर इस्लामिक जिहादियों ने गला रेत कर हत्या की है और उसके बाद वीडियो बना के भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को हत्या करने के उनके गले पे छुरा चलाने की चुनौती दी है, उसको विश्व हिंदू परिषद और भारत की सरकार स्वीकार करती है। हम लोगों ने आज महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे के जो ये कट्टर इस्लामिक जिहादी है इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है और इनकी चुनौती को स्वीकार करते हैं। ये अगर देश में अब कहीं भी कुछ करेंगे तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उनका प्रतिकूल पर्याप्त तरीके से उत्तर देगा। आपका पक्ष विपिन कुमार गुप्ता, प्रांत सुरक्षा प्रमुख काशी प्रांत।